पाकिस्तान को चीन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन मिली है। चीन ने पाकिस्तान को 5,00,000 डोज वैक्सीन की खेप दी है, लेकिन अब पाकिस्तान ने ये कहा है कि चीनी वैक्सीन उनके बुजुर्गों पर काम ही नहीं कर रही, यानी ये चीनी कोरोना वैक्सीन 60 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों के किसी के काम की नहीं है। विशेषज्ञों ने कहा है कि ये वैक्सीन सिर्फ 18 साल से 60 साल तक के लोगों के लिए ही उपयोगी है। हालांकि उन पर भी ये वैक्सीन कितना काम कर रही है इसके आंकड़े आने अभी बाकी है। चीन की सिनोफार्म कंपनी ने ये कोरोना वैक्सीन विकसित की है और चीन ने इसे फ्री में पाकिस्तान समेत अपने मित्र देशों को दिया है। हालांकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी की तुलना में चीन ने सिर्फ 5,00,000 डोज दी है, यानी ये सिर्फ 2,50,000 लोगों को लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनका अप्रभावी होना है। प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य मामलों के विशेषज्ञ सहायक फैजल सुल्तान ने बयान दिया है कि ये वैक्सीन तो 60 साल की उम्र से अधिक लोगों पर प्रभावी ही नहीं है, ऐसे में उन पर इसे खर्च ना किया जाए। बता दें कि कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों में जब पाकिस्तान में मास्क जैसी बेसिक चीजों की कमी हुई थी तो चीन ने पाकिस्तान के पास मास्क और पीपीई किट भेजी थी, लेकिन वो भी खराब क्वालिटी की थी। कुछ पाकिस्तानियों ने तो ब्रा के शेप की मास्क की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी, जिससे पाकिस्तान सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। और अब ऐसी ही समस्या चीन की वैक्सीन के साथ भी आ रही है। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।